खुद ही लगा सकते, कहीं हम उड़ गए तो हमें पहले कहना, निकलने से पहले जेब में कोई डाल लेना चाहिए। आज सोनू भाई की तबीयत ख़राब है और मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है कि घर में खामोशी छा गई है और जुम्मे का भी दिन है तो मुझे यहाँ पे बहुत सारे इश्यूज हैं, हम स्टैंड नहीं लगा सकते, हम खुद को नहीं लगा सकते, कहीं हम उड़ गए तो हमें निकलने से पहले जेब में कुछ डाल लेना चाहिए। मैं तो बोलूंगी, मैं तो बोलूंगी। कल यखनी है बहुत काम की, तो इसे फेंकना थोड़ी है, क्या करेंगे, ये पकेगी, सालन में डलेगी। अभी आपसे किसने कहा ये फेंकनी है? चलो यहाँ जल्दी ठंडा हो जाएगा। अच्छा जी, आप इधर आ रही हैं? जी मैं इधर ही आ रही हूँ। ये रखी है नॉन स्टिक, आपकी चूल्हा ऑन है? चूल्हा ऑन होता है, पता नहीं क्या है, चूल्हा खुला हुआ है। चूल्हा जल रहा है, चूल्हा जल रहा है, जल रहा है। मैं जा रही हूँ, अभी तो इतनी जल्दी नहीं गर्म हो रहा, मैं जा रही हूँ। देख लीजिए व्यूवर्स, ये है आज दाल लच्छा, ठीक है, और टाइम तो बहुत लग गया बिकॉज इसमें नहीं पानी नहीं, और ये है मिक्स सब्जी, ठीक है। अब ये पैकिंग की उसमें है, प्रोसेस में, और यहाँ ये प्रोसेस चल रहा है जुनेद साहब का। गर्मी बहुत है, टैंकर वालों ने दिमाग की बजा दी है। हाँ, और फ़ोन पे फ़ोन आ रहे हैं, मैसेज पे मैसेज आ रहे हैं कि दाल जो है कुछ हलीम का लुक दे रही है ना, बहुत उम्दा है। मैं चिकन कहाँ खाऊंगी, बस खिलाने के चक्कर में रहा करें एनी टाइम चिकन। सो बस मिलते हैं, ये काम दिल्ली से निपटा लें, टाइम बहुत हो चुका है। चाय जुनेद के टोस्ट पापे, ये जो दिन नाटक हो रहा था ना वो इसलिए हो रहा था, जुनेद के टोस्ट पापे जो है ना एंड हो रहे थे और वो उदास थे, और देख लीजिए आ गए हैं। मैं तो खाऊंगी मासूम सी बच्ची, थोड़े से बिस्किट। चाय मेरी बहुत देर की निकली हुई है, इससे पहले ये ठंडी हो मैं चाय पीती हूँ और जुनेद को दिखाती हूँ। ये आ गए हैं जुनेद का फेस। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम अगेन, क्या हुआ? कुछ नहीं, मक्खी आई थी। मक्खी? आप नाक पे मक्खी भी नहीं बैठने देती? देखें हम जुगाड़, देखें हम टेप भी तो खोलना है यार। भाई मुझे दो पापे लाजमी चाहिए, दो नहीं तो एक। चाय खाली मुझसे नहीं पी जाती, वो पापे जिसमें मुझे कहीं के भी पापे सूट नहीं करेंगे ना, क्योंकि उसमें टेस्ट जब तक नहीं होना बेकार है, पैसे ज़ाया करने वाली बात। हाँ कुछ खरीद रहे हो आप और पैसे वसूल ना हो तो बेकार है, आपके पैसे गए। जैसे लोग मुझसे खाना लेते हैं और बोलते हैं यार फारिग था, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत से लोगों का मैंने खाना लेके बेचा है पहले, और जब ये कमेंट्स आते थे ना, फीडबैक मिलता था, फारिग था ये खाना, फारिग था, मतलब वो किसी काबिल नहीं था उनकी नज़र, क्योंकि उसमें कोई टेस्ट नहीं होगा। तो जब तक आप कहीं पैसे खर्च कर रहे हो और उसके पैसे वसूल नहीं हो, आपको मज़ा नहीं आया ना, तो समझो पैसे वसूल नहीं हुए। तो कस्टमर की डिमांड ये होती है, ये है काम का हिस्सा। तो आपके आप कुछ भी खर्च करो तो हम लोग वही चीज़ खाना पसंद करते हैं, भले दाल सब्ज़ी हो। मेरी दाल सब्ज़ी बहुत मशहूर है सनोबर के हाथ की, SPML में होते हैं अमजद भाई, वो घर का जब से मैंने जाना शुरू किया उन्होंने खाना शुरू कर दिया, बोलते हैं मैं सब्ज़ी या दाल तुम्हारे घर की होती है ना लाजमी खाता हूँ, वैसे वो खाना नहीं खाते थे, और जिस दिन मैं ऑफ कर जाऊँ तो तब भी वो खाना नहीं खाते। बहुत सारे दुकानदार हैं जिन्होंने खाना दोबारा से स्टार्ट ले लिया है, वरना बहुत से खा के आते थे या जो है वो खाना ही नहीं खाते थे। खैर ये तो हो गई खाने पीने की बात, और लाइफ कुछ ऐसी है व्यूअर्स के पहले हम लोग खा लेते हैं उसके बाद हम आपसे बात करते हैं। बहुत जल्दी ख्याल आ गया आपको। जी व्यूअर्स, आपने देख लिया मुझको, और शाम की चाय के बाद जो अब हम जा रहे हैं, थोड़ा हेल्थ इश्यूज है ना जो काफ़ी दिनों से हो रहे हैं उसके बारे में चेकअप कराने। तो जुनेद को आज टाइम है और डॉक्टर की अपॉइंटमेंट भी शायद आज की है ना, तो इंशाल्लाह हम निकलते हैं।
मौका मिला तो वहाँ के भी लोग वहाँ पे आपको बताएंगे कि हम कहाँ हैं। बाकी दुआओं में याद रखिएगा, जो अल्लाह करे बेहतर करे, ठीक है। और जुनैद को दिखाते हैं, जुनैद जो है सब चीज़ें बंद कर रहे हैं, हाथ का इशारा हो चुका है। मैं स्लीपर वगैरह पहन लूँ और उसके बाद दरवाजे हिसार वगैरह खींच लेते हैं, निकलते हैं। आपको पता है बाकी इस घर की सूरत हाल अल्लाह की अमान में छोड़ के जा रहे हैं। इस वक्त थोड़ी देर बाद मगरिब हो जाएगी, अब टाइम ऐसा है ना, निकलना पड़ रहा है अभी, वरना मगरिब के बाद ही निकलते। सो व्यूअर्स इंशाल्लाह जल्दी मिलते हैं आपसे। जी व्यूअर्स, हम लोग आ गए डॉक्टर के यहाँ से और बहुत टाइम हो चुका है। हम लोग गए हुए थे थोड़ा सा नोबर का, आज अल्ट्रासाउंड था तो डॉक्टर के यहाँ पहले कंसल्ट किया डॉक्टर से, उसके बाद हमने कराया। हमने सोचा क्यों ना, 8 बजे थे और अल्ट्रासाउंड की टाइमिंग भी 8 से 9 की थी, तो हमने कहा क्यों ना ये काम भी कल तो करना है, आज ही कर देते हैं। सनोबर ने बड़ी हिम्मत की आज, आई अप्लॉड माय मिसेस। सो अब हम लोग आए हैं और इनको थोड़ा सा खिलाना है। हाँ, लंच इंजेक्शन ठुकवाया है मेरे, ठुकवाया है ताकि मैंने ठुकवाया, खुद ही डॉक्टर ने बोला था। वो तो 14वां नंबर था और हम लोगों को 16वां नंबर था और अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी कि डॉक्टर ने 5वें नंबर पे इनको वेट नहीं करना पड़ा। खैर पहले खाते हैं खाना, इनको कुछ खिलाते हैं, व्लॉग कंटिन्यू रहेगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी ठीक हैं, लेकिन सनोबर की तबीयत थोड़ी सी, सनोबर की तबीयत ठीक नहीं है क्योंकि कल हम लोग गए थे डॉक्टर के और आज हो रहा है इन्हें बुखार। मैंने बता दिया है फिलहाल अभी नाश्ता, तो कुछ टेस्ट वगैरह लिख के दिए हैं। काइंडली आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि हम लोग जो हैं हमारी मोनेटाइजेशन हो जाए, अर्निंग स्टार्ट हो। मुझे आपके सपोर्ट की अभी नीड है और खाना भी फ़िलहाल जो है, आज तो खैर छुट्टी का दिन है, जुम्मा है, नहीं बन सकता है और कल भी शायद नहीं बने क्योंकि कल हमें डॉक्टर के पास दोबारा जाता है। इंशाल्लाह फिर पीर से जो है उनकी हिम्मत देखते हुए काम को कंटिन्यू रखेंगे, नहीं तो अल्लाह बड़ा बादशाह है, मसला ही नहीं है। बस आप लोग से गुजारिश है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि हम लोग सिवाय अल्लाह के किसी के मोहताज नहीं हो रहे हमारी, और क्योंकि सभी लोग सबके ऊपर अल्लाह पाक अपनी आसानियाँ फरमाए। जिस तरीके की पाकिस्तान के हालात हैं तो भाई आप लोग से फिर बोलूँगा कि गूगल से भी बोलूँगा कि हमारे चैनल की मोनेटाइजेशन कर दे ताकि हम लोग जो मेरी मिसेस के मसले मसाइले जो मैं सामने नहीं रख सकता अभी वो मैं हल कर सकूँ। बाकी मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद, अपना ख्याल रखिए। जी व्यूअर्स, मैं जाके आता हूँ बाहर से और सौदा लाना है। सौदा क्या लाना है भाई? सनोबर को डॉक्टर ने बताई है लिक्विड चीज़ है, तो मैं आज मैं इनको बनाऊँगा, लस्सी बना के पिलाऊँगा। सही है भाई, लस्सी भी नहीं, ठंड लग रही है, गर्मी में ठंड लग रही है, लस्सी और आम मिक्स और सामान लेने का थोड़ा ग्रोसरी। मैं लेट की वीडियो बना रही हूँ आपकी, कोई बात ये तो होगा, धूप भी है नहीं। अच्छा खासी सही थी वे? सही तो अभी भी हो, बुखार हो गया है, बुखार हो गया है। ये क्या हो गया है? आप जाके आ रहे? मैं जाके आ रहा हूँ, आज आपके कपड़े भी इस्त्री करने हैं मुझे। कोई नहीं बल्कि आपकी इस्त्री है। हाँ मैं कह रहा हूँ बाहर से ताला मार के जा रहा हूँ, आप लेटे रहो तक। ओके मिलते हैं थोड़ी देर में। मेरी बेबी के लिए जूस आ गया आम का, केले का, दही के साथ। बस इनकी तबीयत बहुत खराब है,
सो भी बस सनुबा, कैसा है जूस? अच्छा है। तबीयत कैसी है? सही नहीं है ना? बुखार हो रहा है ना? मीठा सही है? इनकी तबीयत ख़राब हो गई है काइंडली आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और सनोबर के लिए दुआ करें। इनके अंदर खून की बहुत ज़्यादा कमी है और डॉक्टरों ने जो कहा है कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा जूसेस पिलाने हैं, कैल्शियम पिलानी है तो मैंने, और लस्सी पिलानी है और बस थोड़ा सा नहीं मुझे टेस्ट करते हैं। इसलिए बना के रख दिए ताकि आपको हाथ से बनाई भी हर चीज अच्छी होती है। दार इसकी ठीक अच्छी है क्योंकि इसमें ना लस्सी वो दही भी ऐड है आम के साथ साथ। ओके व्यूअर्स मिलते हैं। जी व्यूअर्स, आज सनुबर की तबीयत ख़राब है और मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि घर में खामोशी छा गई है और जुम्मे का भी दिन है तो मुझे जाना है नमाज के लिए। वो बोल भी रही थी कपड़े प्रेस करती थी, मैंने कहा नहीं अल्हम्दुलिल्लाह कपड़े मेरे साफ़ हैं, मैं बाहर से लॉक करके जाऊंगा बाहर दरवाज़ा क्योंकि इनको उठाना मुनासिब नहीं है। दुआ कीजिएगा ताकि सनोबर की तबीयत अच्छे हो जाए और मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे थोड़ी देर में। नमाज़ पढ़ के आता हूँ क्योंकि मुझे जाना आना करना है, जब तक कि थोड़ा सा रेस्ट कर रही है 10-15-20 मिनट में मैं वापसी आ जाऊँगा। अभी खुतबा चल रहा है उसके बाद जो है, और बारिशों का भी जिस हिसाब से आज गर्मी है ना तपिश है, फीलिंग्स तो मैंने नहीं देखी लेकिन आज जिस हिसाब से तपिश है वो तो बारिशें भी इतनी तेज़ है और अल्लाह पाक सबके लिए आसानी फरमाए। तो मिलते हैं थोड़ी देर में, वापसी आता हूँ फिर आपसे मिलवा रहा था। ये आ चुके हैं जुनैद। बड़े पंचायती लोग हैं यहाँ पे, वैसे पैसे चाहिए पैसे यानी टाइम। अबे भाई काम तो करो आप लोग, तो नहीं एडवांस दे दो। 200 से 100 रुपए पे आ गया था वो लास्ट में सुनो पर। कहना हमें ले जाओ मलबा, हमने सोचा मलबा दलवा ले 500 रुपए में ना, काफ़ी टाइम से मैंने इसको बोला हुआ था आ जाए, इसको पैसों की नीड होगी ना जब ही आ गया आगे तो मैंने बोला बोलना 200 रुपये दे दो, मैंने कहा काम ख़त्म करो 500 नहीं 600 दूंगा मैं तो ऐसी अल्फाज यूज़ करता हूँ 500 नहीं 600 दूंगा, लेकिन पहले इस पूरी एरिया में सबको हमारा घर नज़र आता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों का दिल साफ है। सो व्यूअर्स हम लोग कर रहे हैं चाय का, शाम की चाय के साथ नाश्ता, नाश्ता जो कि मस्त है, खाली चाय नहीं पीते बड़े स्नान कैसे रहे। और आज फिर लाइट ने अपना वही तमाशा रोज़मर्रा का लगा दिया है। दुआ कीजिएगा मेरी मिसेस साहिबा जल्दी से अच्छी हो जाए, हस्ती बोलती और सामने आए, 2 दिन में चेहरा उतर गया इनका बुखार से, कल दोबारा डॉक्टर के पास जाना है इनको। जल्दी से कमेंट्स कीजिए और बहुत सारी दुआएं दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे, आपकी दुआ से हम भी ठीक हैं और सनोबर भी मच बेटर। बेबी यस ठीक हो? यस बेहतर हो? यस ओके। बेबी बोलना छोड़ दें, सज्जादा ली नहीं बनूंगा। पहले हम लोग करते हैं नाश्ता, उसके बाद जो है सिंपल सा नाश्ता है आज हमारा, क्योंकि मैं क्या बोलूं बेबी पराठे नहीं खा सकती अभी, तो
इनको मैं खिलाऊंगा इनके जो क्लिक आजकल ये ठूस ही नहीं रही है भाई, क्या बात है। मैं बोलता हूँ मैदे के ऊपर जुल्म करो, मैदे को ठुसाओ। मैदा बोल रहा है नहीं खाओ, आप बोलो खा बेटा खा, खा ले मुन्ना खा ले। सो व्यूअर्स मिलते हैं बहुत सारी दुआओं में, याद रखिएगा अपनी, तो ये बात बोलता हूँ दुआओं में याद रखा करें, क्योंकि दुआ जो ली जाती है ना उसकी बात ही अलग होती है, और मांगी जो जाती है उसकी बात अलग होती है।